हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं फिर से हाजिर हो चुकी हूँ एक रेसिपी के साथ। देखिए, कढ़ाई में मैं पानी चढ़ा दिए थे, उबाल भी आ चुका था और इसमें मैं थोड़ा सा तेल और नमक डाल के चाउमीन को बॉईल कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए, स्वीट कॉर्न, फूल गोभी, पत्ता गोभी और वहाँ पर गाजर, और एक आलू मैं ले लिए हैं, ब्रोकली, मटर और दो टमाटर और हरी मिर्च। और यहाँ पर देखिए, मैं बॉयल्ड मशरूम भी लिए हैं। और नमक है, मिक्स मसाला है, आलू मसाला है, हल्दी, चाट मसाला, ये सब मसाला मैं लिए हैं। और कढ़ाई में मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और हींग दे के सारा सब्जी पहले फ्राई कर लूँगी। मैं ज़्यादातर जो बिना प्याज लहसुन वाला खाना बनाती हूँ उसमें तेल में ज़रूर मैं हींग डालती हूँ, क्योंकि हींग में थोड़ा सा अच्छा स्वाद आता है। तो इसलिए मैं हींग ज़्यादातर यूज़ करती हूँ जब मैं बिल्कुल ही वेज खाना बनाती हूँ। तो देखिए, सारा मसाला भी मैं इसमें डाल दिए हैं और फिर इसे अच्छे से पकाऊँगी 5 to 8 मिनट। और जो बॉयल किया हुआ चाउमीन था उसे मैं ठंडा पानी से धो लिए थे और इसमें थोड़ा सा नमक मैं लगा रही हूँ, ताकि जब आप बनाओगे तो साड़ी में अच्छे से नमक लग जाए। ये बन के रेडी हो चुका है। मैं थोड़ा सा काला नमक ऊपर से छिड़क रही हूँ, तो काला नमक का भी स्वाद थोड़ा सा अलग होता है, अच्छा लगता है। ऐसे ही खाए थे, बहुत ही टेस्टी लग रहा था, अच्छा लग रहा था। आप चाहे तो इसे सॉस के साथ खा सकते हैं। तो मेरे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टाटा फ्रेंड।